हालेलुया। आज हम वचन देखेंगे इफिसियो दूसरा अध्याय में वचन को देखेंगे। यहाँ पौलुस लिख रहा है, हम लोग सब लोग पाप में, अपराधों में, सब में मरे हुए, तो हमें परमेश्वर जिलाया। हम मृत्यु में डूबे हुए थे, हम मरे हुए थे पापों में, तो हमको मृत्यु से छुड़ा कर जीवन में प्रवेश करवाया हमारा पिता परमेश्वर ने किया है, यीशु मसीह को हमारा लिए दिया है। तो जीवन है, तो जीवन प्रकट हुआ यीशु मसीह के अंदर। जो जीवन है यीशु मसीह के द्वारा ही प्रकट हुआ है। जो परमेश्वर के अंदर जो प्रेम है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो जो लोग यीशु मसीह को विश्वास किया उनकी हृदय में उंडेला गया। तो परमेश्वर के द्वारा ही प्रेम प्रगट हुआ और जीवन प्रगट हुआ और अनुग्रह प्रगट हुआ। ये तीनों यीशु मसीह के द्वारा प्रगट हुआ है, क्योंकि हमने पहले प्रेम नहीं किया, परमेश्वर हमें प्रेम किया, तो इसके कारण प्रेम प्रगट हुआ। यीशु मसीह को हमारा लिए पिता परमेश्वर ने दिया, तो अनुग्रह प्रकट हुआ। पूरा सच्चाई और अनुग्रह के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में आके जन्म हुआ। तो जीवन प्रकट हुआ, अनुग्रह प्रकट हुआ, पिता का प्यार यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। उस प्यार के कारण, उस दया के कारण हम लोग आज जिंदा हो गए हैं। हम पाप में मरे थे, हमको परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ जिलाया। कैसे हम उद्धार पाए, तो इफिसियो 2 में हम देखते हैं। हम लोग ऐसे जो आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो ऊपर आकाश मंडल में जो शैतान काम करता है, तो उनके अधिकार के नीचे ही हम पहले थे, क्योंकि आदम पाप किया इसके कारण पूरी मानव जाति आ गया। तो हम ऐसे ही थे, लेकिन हमारा परमेश्वर दया का धनी हमें छुड़ाया। वही वचन आज हम देखेंगे, तो इफिसियो 2:4 वचन, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तो इसमें से पता चलता है हम ऐसे पड़े हुए थे, ऐसे मरे हुए थे, हमारा पिता दया का धनी हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया। तो हम ये नहीं हम सोचना है ये मेरे द्वारा ही हुआ, इसलिए यहाँ इफिसी में अच्छा अच्छा लिखा है। पौलुस इधर लिख रहा है, कोई भी घमंड करने का है ही नहीं है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसलिए मैं मसीह में आ गया करके कोई भी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग पापी थे, हम पाप से पड़े हुए थे, हम पाप में मरे हुए थे, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन पिता दया का धनी यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, प्रेम प्रकट किया, उस दया का खातिर, उस दया के द्वारा ही हम आज उद्धार पाए। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो उद्धार नहीं मिलता, सब मानव जाति मृत्यु में ही पड़ा रहता, लेकिन हमारा पिता पहले से ही हमारा यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में देने के लिए सब कुछ पहले से हमारा पिता परमेश्वर का प्लान था। क्योंकि आदम को जब बनाया तब पता है आदम पाप करेगा, वो गिरेगा, सब पता है, फिर भी हमारा परमेश्वर इंसान को इसलिए अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य को उनके साथ संबंध रखे, अच्छे से परिवार जैसे रहे करके ही बनाए। लेकिन आदम पाप के कारण वो पूरा दूर हो गए, हम लोग दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, पिता परमेश्वर के पास हमको पहुंचने का रास्ता है ही नहीं। इसलिए एदेन वाटिका में हमारा पिता परमेश्वर दिखाया, तो वो लोग क्या किए, जो पत्ते से कपड़ा बनाकर वो लोग अपनी नंगेपन को ढापने के लिए कपड़ा बनाए थे, ठीक है, अभी भी हो रहा है।
अभी भी वही दुनिया में कर रहे हैं, मैं तो धर्मी हूँ, मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ करके बाहर की तोस से इंसान बहुत काम करते अच्छा रहने के लिए सोचते हैं ना। सब लोग तो दारू नहीं पीते, सब लोग तो गलत काम नहीं करते, सब लोग तो पाप में पड़े ऐसे दिख रहा है, वो लोग पाप में नहीं करते हैं। बाहर की तोस से दिखाते हैं ना हम लोग अच्छे आदमी है, जो भी किसी से भी पैसा लेंगे तो भी सही समय पर उनको वापस दे देते हैं, किसी से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हम लोग अपने काम में रहते हैं, हम सबसे मिलजुल के रहते हैं, लोग बोलते हैं। लेकिन ये सब करने से हम ये नहीं सोचने का ये लोग बहुत धर्मी है करके, उससे धर्मी नहीं पड़ेगी। अपना क्रिया के द्वारा हम जो भी काम करके हम धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो स्वर्ग चले जाऊंगा करके इंसान सोच रहा है। लेकिन वो वही बताता है जो आदम हव्वा ने किया, जो पत्ते से कपड़ा बनाकर पहनाया, खुद की धर्मिकता, उसको कहते हैं खुद की धर्मिकता। मैंने ये सब करता हूँ, मैंने सब कुछ करता हूँ। कुछ कुछ लोग मसीह में आने के बाद भी, यीशु को विश्वास करने के बाद में भी और मसीह के परिवार में जन्म होते भी, वो लोग ये सोचते हैं मैं तो मसीह के परिवार में जन्म हुआ हूँ, मैं तो पीढ़ी पीढ़ी से हमारा परिवार तो मसीह में ही है, मैं तो बहुत अच्छा बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो 3 बार प्रार्थना करता हूँ, मैं ध्यान देता हूँ, मैं दशम देता हूँ, सब कुछ करना ही चाहिए। लेकिन ये सब करने से हमारा उद्धार नहीं मिला, हमको पहले उद्धार मिला उसके बाद ये सब कुछ आप करते हैं, तो इसमें घमंड करने का कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पाप में मरे थे, हमको पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जिलाया। तो जो हमारा जीवन था जो आदम के द्वारा आया वो तो मर गया, वो मर गया, वो यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया। जब हम जिंदा हुए हैं तो पर यीशु मसीह के अंदर जो जीवन है वो हमारे अंदर आया, इसलिए पौलुस कहता है मैं नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। आज हम लोग जिंदा है किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आज हमारे अंदर कौन सा जीवन है? किसका जीवन है? यीशु मसीह का जीवन है, पुत्र का जीवन है। जो जिसके अंदर पुत्र है उसके अंदर जीवन है, तो उस जीवन यीशु मसीह का जीवन, परमेश्वर का अनुग्रह, जो भी आज हम करते हैं उनके द्वारा ही करते हैं। इसमें मैंने किया करके बोलने का कुछ, घमंड करने का कुछ है ही नहीं है, यही यहाँ पौलुस सिखा रहा है। वो वचन हम देखेंगे 7 और 8 और 9 वचन हम देखेंगे कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाला समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किससे हुआ है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से ही हुआ है। और इधर लिखा है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये उद्धार तुम्हारे ओर से नहीं, मैंने ये सब कुछ किया इसलिए मुझे उद्धार मिल गया। ऐसे होगा तो फिर मसीह आके क्रूस पर मरने का कुछ अर्थ नहीं है, फिर यीशु मसीह आने का ही नहीं। अब एक खुद उद्धार पाऊंगा, मैं तो स्वर्ग पहुंच जाऊंगा करके हम जो भी कर रहे हैं, तो इंसान सोचता है मैं तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन उनको वो भी पक्का बोल नहीं पाएगा। आप जाके किसी से भी पूछेंगे ना कि आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा इस दुनिया में जीवन बिताने के लिए, कुछ कुछ लोगों को मदद करने के लिए, किसी को खाना खिलाने के लिए, कपड़ा देने के लिए, मैं भी अच्छा सा रहना के लिए सोचता हूँ, इस सबके साथ अच्छा सा विवाह करें तो शायद मैं ऐसे करने से पहुंच जाऊंगा, ऐसे ही उनके अंदर होता है, वो भी पक्का बोल नहीं पाएगा। लेकिन हम बोल सकते हैं क्योंकि मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा, उनके साथ मैं भी दुनिया के लिए और पापों के लिए और मृत्यु के लिए और दंड आयना के लिए, व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के श्रापों के लिए, सबके लिए मैं भी यीशु मसीह के साथ मर गया हूँ, यीशु मसीह के साथ मैं भी गाड़ा गया हूँ, यीशु मसीह के साथ मैं भी तीसरा दिन
जिलाया गया हूँ, इसलिए मैं नहीं है, मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। मैं बोल, जैसे यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा हो गया, महिमामय शरीर में आया, फिर कहाँ गया? फिर उनको वो पिता के पास जाके दहिने ओर जा बैठा, है ना। तो हम भी ऐसे जिंदा होकर आज हमारा आत्मा में हम ऊपर स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ हम भी बैठा गए हैं, इसलिए आपको पता है हम जरूर जाएंगे। आज भी यीशु मसीह आएगा, तुरही फूकेगा, हम सब लोग जाएंगे करके हमारे अंदर विश्वास होनी चाहिए, यही हमको याद में रहना चाहिए। तो वहाँ हम यूथ कैंप में भी वचन सुने हैं, जब गैस को देखते हैं हमको ये होनी चाहिए यीशु मसीह आने वाले हैं। तो पास्टर साहब ने बताया, तभी मेरी सोची जब गेस्ट हाउस चालू करती हूँ तो मसीह आज भी आएगा, हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे। देखिए हमको ये उसी के लिए हम ऐसा नहीं सोचने का मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जब तक वो आएगा तब तक हम मसीह के लिए, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए जो जो काम दिया हम उनको पूरा करना है, हम भी व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ना है, और हमारे लिए दिया हुआ बच्चों, परिवार, कलिशिया, विश्वासी भाई बहन, सेवक, सबको, और हमारे लिए दिया हुआ सुसमाचार की सेवकाई, सब कुछ हम करना है। ये सब हमारे ओर से नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। पौलुस कहता है मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, उनकी प्रेम के द्वारा हम करना है। आज हम इधर आके बैठे हैं, ऐसा नहीं है चलो मैं जाके करके दिखाऊंगा, वो नहीं है। यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उनका लहू से मुझे खरीदा गया। देखिए एक रुपया का मैच बॉक्स हम लेके आते हैं, उसको हम कितना संभालते हैं, वो एक रुपया देख के मैं लेके आया हूँ, 10 रुपया लेके मैं लेके आया, 10 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया का हम लेके आते हैं, उनके लिए हम लोग इतना संभाल के रखते हैं। सोचिए मसीह अपना खुद की लहू पूरा देकर, जान बलिदान देकर हमें खरीदा, तो वो हमको कितना बचा के रखेगा। तो हम भी उनके हाथ में रहना है, उनके हाथों के अंदर हम नीचे रहना है, उनका बातों के नीचे रहना है, उनकी पंखों के अंदर रहना है, मसीह में हमको रहना है। तो और है इसमें और भी, उसके नीचे वाला वचन हम देखेंगे, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसे ना हो कि कोई घमंड करे। मतलब कोई घमंड करने का इसमें है ही नहीं है, ये परमेश्वर का दान है, हमारे लिए दान के रूप में उद्धार दिया गया, परमेश्वर की धर्मिकता दिया गया, ये सब हमारे ओर से नहीं है। हम जो भी करके मैं धर्मी बन जाऊंगा वो नहीं है, वही परमेश्वर एदेन वाटिका में दिखाया। वहां आदम हव्वा जो कपड़ा पहने थे वो तो देखिए पत्ता है, पत्ता क्या होगा, पेड़ में जो पेड़ में जुड़े रहता है वो पत्ता हरा रहेगा, तो पेड़ से पत्ता निकल जाएगा और उसको हम लोग कुछ भी बनाएंगे तो उसके अंदर जो ग्रीन कलर है, जो हरा कलर है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे सूखने लगेगा, फिर सूखते सूखते ब्राउन कलर में आ जाएगा, फिर नहीं तो येलो कलर में हो जाता है ना, रंग बदल जाता है। जो ग्रीन कलर है, हरा कलर में ही नहीं रहेगा ना पत्ता, धीरे धीरे पीला होता है और ब्राउन कलर में आ जाता है, फिर उसके बाद टूटने लगता है, टूटता है पत्ता, तो टूटने के बाद ऐसे टूटेगा एकदम पाउडर जैसा ही हो जाएगा। तो उससे वो लोग कपड़ा पहना के रखे, लेकिन उससे वो लोग अपने नंगेपन को ढाक नहीं पाया, क्योंकि बार बार उनको कपड़ा को पहनना पड़ेगा ना, बार बार पत्ता ले लो, बार बार सिलो, बार बार पहनो, बार बार करो, बार बार करो, बार 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 बार, यही है पुराना नियम। हम देख सकते हैं साल में एक बार याजक, महायाजक क्या करता है, याजक अपने लिए और वहां के लोगों के लिए वो हर साल जाकर बलि चढ़ाता था और लहू वहां छिड़का के आना पड़ता था, अपने पापों के लिए और लोगों के पापों के लिए। उसमें हम देख सकते हैं इब्रानी में वो हमेशा बैठा ही नहीं, बैठा मतलब क्या, विश्राम होते हैं ना, घर का काम सब कुछ खत्म करते हैं, उसके बाद आपा
पूरा काम हो गया करके हम बैठते हैं, एक घंटा दो घंटा बैठते हैं, लेकिन वापस फिर हमारा काम शुरू होता है। वो तो घर का काम है, लेकिन मसीह के अंदर हम लोग को विश्राम की जिंदगी, एक आराम की जिंदगी परमेश्वर ने हमें दिया। लेकिन पुराना नियम में वो लोग बैठ ही नहीं पाया, हर साल बलि चढ़ा अपने पापों के लिए, दूसरे पापों के लिए बलि चढ़ाते रहते थे। जैसे ही वो लोग पूरा पत्ता को निकाल निकाल के कितना भी कपड़ा पहनेंगे, वो पत्ता से कपड़ा रुकेगा ही नहीं। लेकिन उधर परमेश्वर, इसलिए वहां पिता परमेश्वर दिखाया उन लोगों को, वहां कुछ बकरी को काट कर चमड़ी से उनको कपड़ा दिया, चमड़ी से कपड़ा दिया। वो चमड़ी काटते समय में आप सोचिए कितना खून खून रहता होगा, पूरा ब्लड रहता होगा ना, तो ब्लड के साथ ही उसको पूरा ढापा। ये दिखाता है यीशु मसीह का लहू हमें पूरा साफ करता है। यीशु मसीह का लहू महिमा, उनकी महिमा, उनका जीवन उद्धार हमें ढाप देता है। सुसमाचार का जो चमड़ी है, हम देख सकते हैं सुसमाचार चमड़ी को बताता है, तो वो हमें दिया गया, वो उस महिमा में हम लोग आ गए हैं। तो ये हमारे ओर से नहीं है, परमेश्वर ने पुराना नियम, जैसे हम आधा उत्पत्ति की किताब में हम ये देख सकते हैं, उसके बाद जितने भी बलि चढ़ाया, जितने भी लोग काम किए, सब कुछ एक छाया है, वो यीशु मसीह को ही बताता है। हर साल जाके क्या करना पड़ा, अपने पापों के लिए दूसरे को बलि चढ़ाते चढ़ाते वो खड़ा ही रहता था, कभी वो बैठा ही नहीं। लेकिन दूसरा आदम हमारा यीशु मसीह ऊपर स्वर्ग से आया है, वो सब कुछ हमारा सबके पापों के लिए, सबके ऊपर जो श्राप था, व्यवस्था का श्राप था ना, जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, उसको सब लोग करना था, जो नहीं कर पाया वो सब लोग श्रापित हो गए, दंड आज्ञा था उनके ऊपर, कोई भी नहीं कर सकता है। व्यवस्था अच्छा है, भला है, अच्छे के लिए दिया गया है, लेकिन क्यों दिया गया, हमको ये दिखाते हैं, तुम अपनी कर्मों से तुम उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएगा, एक करेगा तो भी एक में हार जाएगा। इसका कारण ये है, हमारा मन, क्या है हमारा मन, बड़े शरीर के द्वारा कुछ भी करेंगे लेकिन मन नहीं कर पाएगा। क्यों? पुराना आदमी हमारे अंदर, जो आदम के अंदर स्वभाव था, वो पाप की स्वभाव हमारे सबके अंदर है। इसलिए पौलस, हम देख सकते हैं रोमियो 7 अध्याय में, अब देखेंगे तो वो कहता है, वो पुकारता है, वो चिल्लाता है, मुझे कौन इस मरणहार देह से छुटकारा देगा, क्योंकि मैं अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। क्योंकि अंदर से विचार आएगा, हाँ मैंने किया, हाँ मेरे नाम आएगा, बस मैं देखो ऐसा किया, मेरे को तो इतना प्रकटीकरण मिल गया, मैं तो अच्छा अच्छा प्रचार करया, मैं तो बहुत कलिशिया स्थापित किया, मैं तो ऐसे ऐसे आता होगा। वो कहता है मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ, नहीं नहीं, यीशु मसीह के द्वारा ही आया। नम्रता भी देखिए, हमारे उससे नहीं आता, वो मसीह हमें देते, यीशु मसीह का हम देखते हैं। यीशु मसीह दुनिया में रहता था तब सब जगह देखिए मैंने किया करके वो कभी नहीं बोले, मेरा पिता की महिमा हो, जो पिता मुझे दिया मैं वही काम इधर करता हूँ, मेरे पिता ने मुझे दिया मैं आपको देता हूँ करके पिता की महिमा किया। लेकिन इंसान मैंने किया मैंने किया, तो उनके अंदर वो था, वो अपने जीवन में अपने शरीर में उनको महसूस हुआ। पौलुस चिल्लाता है कौन मुझे छुटकारा देगा। 8 अध्याय में आप आके देखेंगे, रोमियो 8:2 में वो कहता है, फिर भी जो भी हो लेकिन यीशु मसीह के अंदर जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र कर दिया मसीह में करके वो कहता है। वो वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, कर दिया। इसमें अपना नाम डालना, अपना नाम डाल के बोलना, इस वचन की प्रकटीकरण होनी चाहिए, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की
व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु के मुझे मुझे की जगह पर अपना नाम डाली है। मैं ऐसा ही एक बार मुझे बहुत रात में 11:30 ऐसे कुछ था, पहले मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, तब उस समय मेरे को ऐसे हो रहा था, ऐसे लग रहा है मैं मर जाऊंगा। 11:30 बजे के आसपास कुछ काम करते करते कुछ ऐसे ऐसे आया, ऐसे लग रहा था मैं मर जाऊंगा, तो पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाई, कुछ नहीं बोलो, यही बोलो, मैं यही बोलू, मेरे ऊपर जीवन की आत्मा की व्यवस्था काम करता है, मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से माला में छुटकारा हो चुकी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। बोलते रही रोमियो 8:2, पवित्र आत्मा ही याद है दिलाते, इसमें हमारा भी क्या है, मुझे तो नहीं आया मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर मसीह का जीवन है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मुझे याद दिलाया, बोलो, यही बोलते रहो। ऐसे मैं बोल नहीं पाई, ऐसे से मेरा जीव अंदर जा रहा था, ऐसे से मेरे को लग रहा है, तो मैं यही बोलते रही, बोलते रही, बोलते रही, 15-20 मिनट तक बोलते रही। उसके बाद एकदम मैं एक छुटकारा को महसूस पाई, मैं एकदम आजाद हो गई। उसके बाद आज तक ऐसे परिस्थिति मेरे जीवन में आया ही नहीं है, ऐसा ही मैं मरने जैसे जाती थी ना, वैसे मुझे नहीं आया। लास्ट में यही वचन मुझे मिला, हमेशा मैं बोलती हूँ, हाथ मेरे ऊपर रख रख के बोलूंगी, मेरे ऊपर जीवन की आत्मा काम करता है, मेरे ऊपर जीवन की आत्मा काम करता है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पुनरुत्थान की आत्मा है, जो मसीह के मरे हुए से जिलाया वो मेरे अंदर है, मेरा इस शरीर को भी वो जिलाएगा। कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी कुछ आता है, यही बोलती हूँ, मेरे अंदर मसीह का आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, जो एक एक हड्डी, एक एक नस, एक एक सेल, सब में उनका ताकत है, उनका सामर्थ है, ऐसे में अच्छे रहूंगी, बोल सकते हैं ना, बोलना, मसीह में है, मैं मसीह में हूं, कौन मेरा विरोधी हो सकता, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अपने एकलौते बेटे को दिया, मेरा विरोधी कौन हो सकता। दुष्ट सैतान आके बोलेगा, हाँ तुमने वो किया, तुमने ये किया, तुम तो चुगली किया, तुम उनके बारे में बात किया, तुम तो मोबाइल में ये देखा, किए तो भी तुरंत मन फिर के, प्रभु आज से मुझे नहीं करना, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, एक योहना में योहना लिखता है, वो विश्वासी के लिए लिखता है, जो विश्वास में आ गई है, ऐसा नहीं है मैं पाप नहीं करता हूँ, हर दिन अपने को साफ करना, यीशु मसीह बोले ना, आप लोग तो पूरा साफ हो गए, लेकिन पैर की धोना, पैर धोना जरूरत है, हर दिन इस दुनिया में जाते हैं, धूल तो पड़ता है, घर साफ करते हैं ना, सुबह भी झाड़ू लगाते हैं, दोपहर में भी लगाते हैं, शाम को भी लगाते हैं, क्योंकि धूल आता है, बर्तन साफ करते हैं, अब रख के देखिए मेरा बर्तन सब साफ हो गया, अब रखेंगे तो भी आप देखिए 10 दिन गाँव जाके आएंगे तो फिर धूल पड़ा ही रहता है, घर तो बंद रहता है फिर भी धूल आता है। इस दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन मसीह यीशु मसीह के द्वारा हम शुद्ध रह सकते हैं। हर समय हर घड़ी हमारा मन बदलना है, पुराना नियम में मन बदला ही नहीं, लास्ट तक नहीं बदला, वो लोग करते रहे, बलि चढ़ाते रहे। मूसा देखो, मूसा के द्वारा व्यवस्था नियम आया ना, मूसा के द्वारा आया, मूसा को जाके परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना किया था, कभी वो लोग माना ही नहीं, कुड़कुड़ाते रहे, जितने लोग मूसा के साथ निकले थे कोई भी कनान के अंदर प्रवेश नहीं किया। तो इब्रानी 4 में हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं वो लोग विश्वास नहीं किया, इसलिए वो मेरा विश्राम में प्रवेश नहीं किया। हमको विश्राम बैठना, यीशु मसीह हमारे लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार अपनी मृत्यु के कारण एक बार बलि चढ़ाकर जाके मरा, तीसरा दिन जी उठ के पिता की दाहिने ओर जाके बैठा, क्या है बैठा, पुराना नियम में बैठा ही नहीं, खड़ा ही रहा, हर साल खड़ा रहा, क्योंकि करते रहे, अंत नहीं है, उद्धार का उधर नहीं है, वो ऐसे दिखाते हैं, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है,
तुम लोग इसमें से बाहर आने के लिए उद्धारकर्ता जरूरत करके परमेश्वर दिखाने के लिए वो सब कुछ किया, सब साफ सफाई, ऐसे ही ड्रेस पहना, ऐसे ही रोटी बनाना, ऐसे ही बलि चढ़ाना, ऐसे ही तेल तेल को बनाना, ये सब कुछ परमेश्वर ने सिखाई। लेकिन ये सब क्या दर्शाता है? तो यीशु मसीह आएगा हमारे लिए, एक बार वो मरा, तीसरा दिन जी उठ गया और पिता के दाहिने ओर जाके बैठ गया। बस खत्म, क्या है, खत्म हो गया, फिनिश। क्रूस पे यही बोला ना यीशु मसीह, सब कुछ खत्म कर दिया, जो पिता ने काम दिया उस सारे कामों को हमारा यीशु मसीह फिनिश कर दिया, सब अपने शरीर में लेकर वो मरा, तीसरा दिन जी उठा, फिर महिमामय शरीर में जाके परमेश्वर की दाहिने ओर जाके बैठ गया। बस हम भी बैठ गए, है ना, हम भी उनके साथ मरा, तीसरा दिन जी उठ के स्वर्गीय स्थानों में हमको भी बैठा दिया। आज ऐसा तेल है, हाथ से बना हुआ तेल नहीं है, पुराना नियम में हाथ से बनाया तेल, मूसा को बोला परमेश्वर इतना इतना लेना, इतना इतना मतलब माप लेकर बनाना तेल, वो तेल को हमेशा डालना, वो दीपक जलते रहना, कभी दीपक बुझना नहीं, ऐसे रोटी बनाना करके सब कुछ सिखाए। लेकिन नया नियम में हम आ गए, हमारे लिए यीशु मसीह मर के तीसरा दिन जी उठ गया, वो पिता की दाहिने ओर जा बैठा, आज पवित्र आत्मा वो तेल हमारे अंदर डालता है, परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर जलता है, पवित्र आग पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर दिया गया, हाथों से नहीं, हाथों से नहीं। यही चैप्टर में आप पीछे जाके पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है जो हाथों से जो जो किया उससे नहीं, उससे सब लोग दूरी थे, लेकिन यीशु मसीह हम दूर थे, हमको परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, यीशु मसीह के लहू के कारण हम पिता के साथ जुड़ गए उनके साथ बैठे, तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सब कुछ उनका पावों तले कर दिया, तो हम भी बैठे, हमारे पाव के नीचे भी सब आ गए। तो यूथ कैंप में पास्टर जी ने सब कुछ एक चित्र के साथ, एक नाटक के साथ, एक ड्रामा जैसे हमको दिखाया, आप हमेशा सोचने का मैं उधर बैठा हूँ, कभी कभी इधर धूप ज्यादा होता है ना, तब पहले मैं मोसस तब छोटा था, सिक्स्थ सेवेंथ मेरा लड़का पढ़ते समय में बहुत गर्मी था, उसको कुछ पता चलता है दुष्ट आत्मा का काम है, तो इतना गर्मी था, देखिए शबाड़ी में भी ज्यादा से ज्यादा गर्म रहता है ना, वो भी अच्छा नहीं है, तो मैं तुरंत बोली उनको सिखाई, देखो तुम कहाँ बैठा पता है, यीशु मसीह के साथ क्रू उनकी पंखों के नीचे बैठा है, पंख के अंदर क्या होता है, ठंडा भी रहता है गर्म भी रहता है ना, जो ठंडी का मौसम में वो गर्म गर्म रहेगा, अच्छा सा रहेगा, और गर्मी का मौसम में पंख के अंदर ठंडा रहेगा ना, तो पुराना नियम में परमेश्वर दिखाया उनका महिमा ऐसे आग के खंभा जैसे का, जब इज़राइल लोग चल रहे थे तो रात में अग्नि खंभा पर आग के खंभा बनकर परमेश्वर रहा, मतलब अच्छा था, उनकी गुन 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 गर्म के अंदर रहा, दिन में वो बादल बन के रहा, तो वैसे ही हम लोग पिता परमेश्वर के साथ वहां यीशु मसीह के साथ हम बैठे हैं, तो हमको भी वो है, इसलिए दाऊद लिखता है भजन संगीता में, दिन के धूप से रात की चांदी मुझे हानि नहीं कर पाएगा, क्यों, हम लोग कहां बैठे हैं, स्वर्ग स्थानों में यीशु मसीह के साथ हम बैठे हैं, तो आज हमारे साथ हमारा परमेश्वर बात किया, तो हम कहां है पहले हमको जानना, तो इतना ही नहीं, बस जान लिया इतना ही, सब आशीष को वारिस बन गए हैं, आज हमारे लिए सब आशीष मिल गया, सब कुछ मसीह में मिल गया, जो भी खोया है सब कुछ यीशु मसीह के साथ अंदर हमें मिल गया है, जो भी पिता का है सब कुछ हमारा हो गया है, ये हमको विश्वास करना, शांति आनंद चंगाई जो जो जीवन के लिए जरूरत है सब कुछ हमें मसीह में मिल गया है। इसके बाद एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे, इफिसियो 2:16, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा
दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, मिला दिया, हमको परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। किसके द्वारा? क्रूस के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। पुराना नियम में बछड़े का लहू से वो लोग वहां जाके बलि चढ़ाते थे, पर जानवर की लहू, जानवर को तो पता नहीं है ना, मैं इनके लिए, इनका पाप के लिए मुझे मरना है करके जानवर तो अपने आप जाके मेरा गला काट दो करके जानवर तो नहीं बोले, इंसान उनको जबरदस्त लेके आके बलि चढ़ाया। परमेश्वर बोला, उसको तो पता ही नहीं, ऐसे आया बलि चढ़ाया। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है, इंसान के लिए इंसान ही मरना है, जानवर की लहू से हमको छुटकारा नहीं होगा। तब परमेश्वर के बेटा हमारा यीशु मसीह शरीर में इसलिए जन्म हुआ, इंसान के पापों के लिए एक मनुष्य मरना है, एक पवित्र मनुष्य मरना है, इसलिए वो इंसान बन के इस दुनिया में आया, स्वर्ग छोड़कर आया। और इतना ही नहीं, उनको जबरदस्त कोई जाके नहीं मारा, वो अपने आप समर्पण किया हमारे लिए, अपने आप बलिदान दिया, अपने आप। उनको पता है, जानवर को तो नहीं पता है, लेकिन यीशु मसीह को सब पता है, जो पिता का है वो सब कुछ परमेश्वर उनको दिया। तो यीशु मसीह आकर हमारे लिए मरा, तीसरा दिन जी उठ गया, उनके साथ हम भी दुनिया के लिए, पापों के लिए, श्रापों के लिए, हम भी यीशु के साथ मरे और उनके साथ गाड़ा गए, और तीसरा दिन हम भी जिंदा हो गए, हम लोग नई सृष्टि बन गए हैं। तो आज इस और भी इसके अंदर ही सब कुछ है, उनका मृत्यु और उनका पुनर्था, यही है मसीह के जीवन का मेन बात है। तो इसी में से ही आपको सब कुछ मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब वचन यही दिखाता है, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तीसरा दिन जी उठा, हमारे लिए वो पिता के लिए वो बातें करता है, आप हमारे लिए अच्छी बात कहता है, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कहता है, ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा करके हमारे लिए यीशु मसीह बातें करते हैं। शैतान दोष लगाता है, उनके बातों का हमको सुनना नहीं है, मसीह का प्रेम में हमको बढ़ना, जड़ पकड़ना और उनके साथ जुड़े रहेंगे और बहुदायित के फल लाएंगे। चाहिए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आपके मधुर वचन के लिए पिता, हालेलुया प्रभु। आप हमारे लिए प्रभु इस दुनिया में आया, यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ, तीसरा दिन प्रभु जी उठ गए, हालेलुया। आपके साथ हमको भी प्रभु जिलाया, मसीह के साथ जिलाकर प्रभु स्वर्गीय स्थानों में प्रभु हमें भी प्रभु आप बैठा दिया। इस महान प्रभु प्रेम के लिए धन्यवाद, यहाँ हुए आए हुए प्रभु भाई बहन को लिए प्रभु, मेरे लिए प्रभु, हालेलुया प्रभु इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। आपके हाथों में पिता हम सबको प्रभु समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते पिता, आमेन।